दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार कर त्योहार के मौके पर राजधानी को दहलाने की साजिश नाकाम कर दी। आतंकी की पहचान पाकिस्तान के पंजाब निवासी मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई है। वो भारत में सक्रिय स्लीपर सेल का सरगना है। उसे लक्ष्मी नगर के शास्त्री पार्क इलाके से गिरफ्तार किया गया है, जहां वो मोहम्मद अशरफ अली अहमद नूरी पुत्र नूर अहमद के नकली पहचान पर रह रहा था। वो पिछले करीब 15 सालों से दिल्ली NCR में रह रहा था। वो पीर मौलवी बनकर घर में घुसता था। इस दौरान उसने गाजियाबाद के वैशाली, गौर सिटी समेत करीब 6 ठिकाने बदले। मंगलवार को अदालत में पेश करने के बाद पुलिस को उसकी 14 दिनों की कस्टडी मिल गई है। अब पुलिस उससे और भी कई बातें उगलवाने की कोशिश करेगी। स्पेशल सेल के DCP प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि 2 माह पहले स्पेशल सेल को दिल्ली में सक्रिय स्लीपर सेल के बारे में क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन मिली थी। ACP ललित मोहन नेगी व ACP हृदय भूषण की सुपरविजन और इंस्पेक्टर रविंदर कुमार व इंस्पेक्टर विनोद बडोला नेतृत्व में SI सुंदर गौतम, SI यशपाल भाटी की एक टीम को इन्फॉर्मेशन डेवलप करने का काम सौंपा गया। टीम ने मुखबिरों का जाल बिछाया, साथ ही टेक्निकल सर्विलांस की मदद से सस्पेक्ट पर नजर रखनी शुरू कर दी। टीम ने एक सस्पेक्ट पाकिस्तानी नागरिक को टारगेट किया। स्पेशल सेल टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली कि सस्पेक्ट पाकिस्तानी नागरिक को इंडिया में टेरर अटैक्स के लिए ISI से आदेश मिला है। आतंकी हमले के लिए सस्पेक्ट पाकिस्तानी नागरिक के पास हथियार और विस्फोटक सामग्री पहुंच चुकी है। टीम को यह भी जानकारी मिली कि सस्पेक्ट टेररिस्ट्स भारत में सक्रिय स्लीपर सेल का सरगना है। पिछले कई वर्षों से भारत में रहकर आतंकी हमले और जासूसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। फिलहाल उसे जो टास्क सौंपा गया था, उसके तहत उसे किसी जगह पर आतंकी हमला करना था। हथियार और विस्फोटक भी उसी टास्क के लिए भिजवाए गए थे। हालांकि अभी उसे हमले की जगह नहीं बताई गई थी। यह सब पाकिस्तान ISI के इशारों पर हो रहा था। 11 अक्टूबर 2021 को टेक्निकल सर्विलांस की मदद से स्पेशल सेल को पता चला कि टेररिस्ट्स मोहम्मद अशरफ उर्फ अहमद नूरी लक्ष्मी नगर इलाके में मौजूद है। पिन पॉइंट लोकेशन मिलते ही उसे लक्ष्मी नगर के शास्त्री पार्क इलाके से दबोच लिया। उसकी निशानदेही पर कालिंदी कुंज के यमुना घाट से एक AK-47, 60 कारतूस, एक हैंड ग्रेनेड, 2 पिस्टल और उसके 50 कारतूस बरामद हुए हैं। तुर्कमान गेट से उसका एक फर्जी पासपोर्ट बरामद हुआ है। वो पिछले कुछ सालों के दौरान जम्मू कश्मीर समेत अन्य राज्यों में हुई आतंकी घटनाओं में शामिल रहा है। आतंकी मोहम्मद अशरफ ISI कमांडर नासिर के इशारे पर काम करता था। नासिर ने ही उसे पाकिस्तान से भारत पहुंचाया था। मंगलवार को उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इंटेरोगेशन में पता चला कि गिरफ्तार आरोपी का असली नाम मोहम्मद अशरफ पुत्र उमरदीन है और गांव कोटली, पोस्ट ऑफिस चंद्र के कंजरूर, नरोवल, पंजाब, पाकिस्तान का रहने वाला है। यह भारत में स्लीपर सेल नोड्स के प्रमुख के रूप में काम कर रहा था और उसे पाक ISI के इशारे पर इंडिया में त्योहारों के समय आतंक फैलाने का टास्क सौंपा गया था। गिरफ्तार आतंकी नकली नाम मोहम्मद अशरफ अली अहमद नूरी पुत्र नूर अहमद और नकली पहचान के साथ दिल्ली में लक्ष्मी नगर के शास्त्री पार्क में रह रहा था। आरोपी आतंकी लक्ष्मी नगर में पीर मौलवी के भेष में रह रहा था। ये यहाँ जादू टोना कर रहा था। जादू टोना के मामले में इसके बाद काफी लोग आते थे। स्पेशल सेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI ने 10वीं पास करने के बाद इसे अपने कब्जे में ले लिया। इसके माता की मौत हो चुकी है। परिवार में 2 भाई व 3 बहनें हैं। वर्ष 2004 में पाकिस्तान के सियालकोट में ISI के हैंडलर कोड नाम नासिर से 6 महीने की आतंकी ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान से इसे बांग्लादेश भेजा गया। बांग्लादेश में इसे एक व्यक्ति मिला। ये उस व्यक्ति के पास बांग्लादेश में 2 से 3 महीने रहा। इसके बाद सिलीगुड्डी से भारत बांग्लादेश सीमा पर लगे लोहे के कटीले तारों को कूदकर भारत में प्रवेश कर गया। यहां से कोलकाता पहुंचा। यहां भी ये 2 से 3 महीने रहा। यहां ये अजमेर गया। यहां एक महिला के ढाबे पर काम किया। फिर मौलवी से जान पहचान की। वर्ष 2006 में मौलवी के साथ ये दिल्ली पहुंचा। यहां इसने मौलवी के परिचितों को फायदा उठाया। वो मौलवी के अन्य रिश्तेदारों से भी मिला और उनका विश्वास जीत लिया। मौलवी के रिश्तेदार की ID के माध्यम से वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर द्वारा अपने ISI हैंडलर नासिर से इंडिया में पैसे मांगने शुरू कर दिए। दिल्ली में इसने गाजियाबाद की तलाकशुदा महिला से शादी की। महिला के 2 बच्चे थे। शादी के 6 महीने बाद इसने महिला को छोड़ दिया। इसके बाद ये वैशाली, गाजियाबाद में रहा। यहाँ पर इसने कई निर्माण साइट पर काम किया है। दिल्ली पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी दिल्ली में ट्रांस यमुना, पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी और पुरानी दिल्ली में रहा है। वो देश में रहने के दौरान एक ही जगह ज्यादा दिन नहीं रहता था। जल्दी ही वो अपना ठिकाना बदल लेता था।
पुलिस ने बताया कि मोहम्मद अशरफ करीब 10 पहले फर्जी पहचान पत्र बनवाने के बाद से 5-6 जगह रह चुका है। मोहम्मद अशरफ ने वर्ष 2013 में अपना पासपोर्ट बनवाया था। पासपोर्ट में उसने शास्त्री नगर दिल्ली का पता दे रखा है। आरोपी ने अपना राशन कार्ड बनाने से लेकर सभी जरूरी दस्तावेज बनवा रखे थे। गिरफ्तार पाकिस्तानी नागरिक आतंकी मोहम्मद अशरफ ने बिहार के एक पत्ते पर भारतीय कागजात बनवाए थे। उसने पहचान पत्र, वोटर कार्ड, राशन कार्ड व पासपोर्ट दिल्ली के पत्ते पर बनवा रखे हैं। ये कागजात बनवाने में उसकी सहायता बिहार के एक व्यक्ति ने की थी। आरोपी मोहम्मद अशरफ भारतीय पासपोर्ट पर विदेश यात्रा भी कर चुका है। वह सऊदी अरब व थाईलैंड जा चुका है। भारतीय एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि आरोपी ने विदेश यात्रा क्यों की थी। हाल ही में पाकिस्तानी हैंडलर ने उसे त्योहारों के मौसम में आतंकी हमले करने का काम सौंपा था। उससे बरामद हथियारों और गोला बारूद का इंतजाम भी पाकिस्तानी हैंडलर ने कराया था। उसकी साजिश लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले आतंकी का भीड़ वाली जगह पर हमला करने की थी। पुलिस ने मोहम्मद अशरफ के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम, विस्फोटक अधिनियम, शस्त्र अधिनियम और अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। एक पाकिस्तानी नेशनल को जिसका नाम मोहम्मद अशरफ है, कल गिरफ्तार किया गया स्पेशल सेल की टीम ने, जिसको ACP ललित और ACP हृदय भूषण सुपरवाइज कर रहे थे। आई विल स्टार्ट अगेन। एक पाकिस्तानी नेशनल को कल स्पेशल सेल की एक टीम ने अरेस्ट किया है। इस टीम को सुपरवाइज ललित ने किया और हृदय भूषण ACP कर रहे थे। ये पाकिस्तानी नेशनल पिछले एक डिकेड से ऊपर से इंडिया में रह रहा था और इंडियन आइडेंटिटी एक्वायर की हुई थी। इसके इंस्टेंस पे AK-47 मैगजीन्स, पिस्टल्स 2 और कार्ट्रिजेस और एक ग्रेनेड रिकवर किया गया है। इससे इनिशियल जो पूछताछ है उससे पता चला है कि ये पिछले कई सालों से इंडिया में रह रहा था और सबवर्जिव एक्टिविटीज़ के लिए एक स्लीपर सेल की तरह काम कर रहा था। इसने इनिशियल पूछताछ में ये भी बताया है कि पास्ट में भी ये जम्मू कश्मीर और रेस्ट ऑफ इंडिया में कई टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है। उनको वेरिफिकेशन कर रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन कर रहे हैं इन्वॉल्वमेंट्स का। और अभी फ़िलहाल में इसका इरादा, जो इसको टास्किंग की गई थी वो की गई थी कि ये एक कोई टेरर एक्टिविटी इसको कैरी आउट करनी थी। जगह नहीं बताई गई थी, पर ये हथियार वगैरह जो हैं ये उसी टेररिस्ट एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने के लिए पहुंचवाए गए थे। इसकी हैंडलिंग पाकिस्तान ISI कर रही थी और ये पाकिस्तान ISI ने इसको ट्रेन करके, जैसे मैंने कहा कि एक डिकेट पहले जब इंडिया आया था तो इसको बांग्लादेश के रास्ते से सिलीगुड़ी बॉर्डर से इंडिया भेजा गया था। इसकी जो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स हैं उनको हम वेरीफाई कर रहे हैं और इसके बाकी एसोसिएट्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो समझ में आ रहा है वो ये कि इसने हर तरह का काम किया है, जैसे एक स्लीपर सेल की तरह किया है, जिसमें इसने कई बार सबवर्जिव एक्टिविटीज़ की हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ की हैं, कई बार कुछ एस्पियनेज के टास्किंग जब इसको हुई वो भी किए हैं। क्योंकि ये एक इनिशियल स्टेज है तो बाकी इन्वॉल्वमेंट्स या बाकी जो चीज़ें आएंगी वो आपके साथ फिर जब कन्फर्म हो जाएंगी तो आपसे रूबरू होंगे। ये देखिए, मैंने आपसे फिर कहा कि कल ही इसको अरेस्ट किया गया है। इसने फेक आइडेंटिटीज़ बनाई थी, इसने कई सारी IDs बनवा ली हैं। ये आया इंडिया में, ये नूरी अहमद नूरी के नाम से इसने एक ID बनवा ली थी। पासपोर्ट भी इसने एक्वायर कर लिया था, फॉरेन भी गया है ये 2 बार उस पासपोर्ट पे। दो कंट्रीज़ में गया है, सऊदी और थाईलैंड गया है जैसा पता चला है। बाकी एक डेट्स वगैरह हम वेरीफाई करा रहे हैं। यूजिंग द इंडियन पासपोर्ट विच ही हैड एक्वायर्ड। और यहाँ पर इसने एक पास में शादी भी की थी कुछ महीने के लिए फॉर द सेक ऑफ एक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स। और एक पर्टिकुलर जगह जाके बिहार में इसने एक ID भी एक्वायर कर ली थी अपनी इंडियन होने की। तो ID, एक आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट, इसका जो ID कार्ड है वो इसने बिहार में जाके एक्वायर कर लिया था जी। वहाँ से एक्वायर करने के बाद में उसी बेसिस पे फिर इसके बाकी डॉक्यूमेंट्स बने हैं। He got married to an Indian woman और उससे शादी करके, शादी भी स्पेसिफिकली इसी पर्पज से की गई थी, जहाँ कुछ महीने शादी करके इसने उसे छोड़ दिया। ये
विशाल वैशाली गाजियाबाद के एरिया में की थी इसने। तो ये सारी चीज़ें अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज है और जैसे ही वेरीफाई होंगी आपके साथ आएंगी। बट ये है कि देखिए दो चीज़ें हैं, ये जैसा आपने पिछले भी हमने जो मॉड्यूल पकड़ा था उसमें बताया था कि जब इस तरह की टेरर एक्टिविटीज़ इनके हैंडलर ऑर्गेनाइज करते हैं तो नीड टू नो बेसिस पे चलाते हैं सो दैट ये पकड़े ना जाए। तो इसको एक पर्टिकुलर आदमी ने पाकिस्तान से टास्किंग की थी जिसका कोड नेम नासिर था, और जी और उस टास्किंग के बेसिस पे इसको बताया गया था कि आपको वेपन कहाँ से मिलेंगे। वेपन वहाँ जहाँ से इसको मिले हैं या जहाँ से इसको दिए गए थे वो सिर्फ इसको वेपन से मतलब था, उन लोगों ने ये नहीं बताया कि वेपन आपको कौन देके जाएगा कौन नहीं देके जाएगा। इसी तरह से जब ये पास में मनी वगैरह मंगाता था तो वो भी हवाला के चैनल से इसके पास आती थी। मैंने कहा नीड टू नो बेसिस पे काम करने किया जिस जो इस तरह के मॉड्यूल में होता वो इसमें भी था। सर ये यहाँ पे कर क्या रहा था, क्या करता था पिछले एक दशक से? देखिए मैंने कहा आपसे कि ये कई सारी इसने जो बताया है इनिशियल स्टेज है इसने जो बताया ये कई सारी टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा है जम्मू कश्मीर में भी और इंडिया के बाकी पार्ट्स में भी, तो वो एक बार वेरीफाई कर रहे हैं, जैसे ही वेरीफाई हो जाएगा तो बता। ये इसने कुछ टाइम से कवर ले रखा था कि ये एक पीर मौलाना का जहाँ ये कुरान की पवित्र आयतें पढ़ के लोगों की बीमारी ठीक करने का दावा किया करता था उस तरह का कवर ले रखा था। इसकी उम्र 40 साल है, 81 बॉर्न जी। इसकी पीर मौलाना का काम ये दिल्ली और दिल्ली के आसपास किया करता था। देखिए मैंने कहा कि आपको एग्जैक्ट डेट अभी हम नहीं बता पाएंगे, इनिशियल स्टेजेस हैं इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन ये इसको इंडिया में रहते हुए एक डेकेड से ऊपर हो गया है। देखिए इसने मैंने आपसे फिर कहा कि इसने बहुत सारी चीज़ें अभी बताई हैं लेकिन अभी दे आर सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन, तो उसको इस वक्त ये स्टेज नहीं कि मैं आपसे शेयर कर पाऊँ। नहीं इनका उनसे कोई लिंक नहीं है। देखिए मैंने कहा कि ये अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, ये नीड टू नो बेसिस पे इसका एक अलग मॉड्यूल था जिस पर काम कर रहा था। मैंने कहा कि पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती, इसके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे दिल्ली में एक पर्टिकुलर जगह से हथियार रिकवर किए गए हैं, पर वहाँ पर हथियार कैसे पहुँचे वो अभी एक इनिशियल स्टेज है। नहीं ऐसे नहीं ऐसा कुछ नहीं कि हमने किसी चार आदमी को नहीं पकड़ा, बहुत सारे लोगों से पूछताछ हो रही है हाँ, पर ऐसा नहीं कि कोई चार आदमी इन्वॉल्व है इस तरह की। देखिए हथियार जहाँ से रिकवर किए गए हैं वो अभी इन्वेस्टिगेशन की इनिशियल स्टेज है, वो अभी मैं आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा। इसको बताया गया था कि वेपन एक पर्टिकुलर जगह पर है, इसके पास उस जगह के कोऑर्डिनेट से और उस जगह की वो क्या पहले जो आपने वेपन रिकवर किए क्या इसने उस जगह को जाके वेरीफाई किया था कि वेपन वहाँ पर रखे हैं? देखिए इन्वेस्टिगेशन की ये इनिशियल स्टेज है, ये सारी चीज़ें अभी मैं आपसे नहीं शेयर कर पाऊंगा बिकॉज जस्ट कल रात में अरेस्ट किया गया। नहीं इसने पिछले जैसे मैंने कहा एक डिकेट से ऊपर रह रहा है, ये इंडिया में कई जगहों पर रहा है, ये अजमेर भी रहा है, ये दिल्ली रहा है, ये वैशाली गाजियाबाद रहा है, ये जम्मू रहा है, ये कुछ पार्ट टाइम के लिए उधमपुर उधम नगर कश्मीर में वहाँ भी रहा है, तो ये जगह बदलता रहा है। अभी भी इसने दिल्ली में अभी हाल में भी इसके दो ठिकाने मिले हैं हमें, एक ठिकाना इसका मिला है वॉल सिटी में और एक ठिकाना हमें लक्ष्मी नगर के एरिया में मिला। ये पाकिस्तान में नरोवाल एक डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ का रहने वाला है ये। इसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी है, इसका दो भाई हैं इसके और इसकी तीन सिस्टर्स हैं, तो ये 2000 के बाद में 2004-05 के आसपास के करीब ये पाकिस्तान से निकला है। देखिए बहुत सारी चीज़ें अभी इनिशियल स्टेजेस में हैं, ये हम वेरीफाई कर रहे हैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि इनिशियल स्टेज थी, इनिशियल स्टेज में हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आई थी वो ये थी कि ये एडवांस स्टेज पे आ चुका है जहाँ पर इसको वेपन्स मिल गए हैं, लेकिन कहाँ इस्तेमाल होने हैं कहाँ नहीं होने उस तरह की इन्फॉर्मेशन अभी हमारे पास भी नहीं है और उसके पास भी नहीं है। नहीं हमने देखिए मैंने आपसे फिर कहा कि ये एक टेरर मॉड्यूल है, एक स्लीपर एजेंट की तरह काम कर रहा था और इसको टास्किंग की गई थी टेरर एक्टिविटी को ऑर्केस्ट्रेट करने की, इसको वेपन के बारे में इसको बता दिया गया था कि आपके लिए वेपन अरेंज हो गए,
इससे पहले ये आगे कुछ कर पाता है, इसको बस कर दिया। नहीं अभी 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 इसकी क्लैरिटी नहीं है, अभी इसकी क्लैरिटी नहीं है कि इसको अभी कहाँ की टास्किंग थी कहाँ की नहीं, उसके बारे में भी क्लैरिटी नहीं। इसने शादी की थी वो लड़की आप, वो अभी सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन है। मैंने आपसे जैसा कहा कि कल ही ये अरेस्ट हुआ है तो इट विल टेक सम टाइम। मैंने आपसे कहा कि ये इनिशियल स्टेज है इन्वेस्टिगेशन की, प्लीज बियर विद अस। कई चीज़ें हम वेरीफाई कर रहे हैं तो अभी आपसे शेयर नहीं कर पाएंगे। नहीं ये डायरेक्टली, मैंने आपसे कहा कि ये डायरेक्टली पाकिस्तान ISI हैंडलर ने इसको रिक्रूट किया था, स्कूल के बाद ही इसको पिक कर लिया गया था, जब इसने 10th पास किया था उसके बाद ही इसको पिक कर लिया गया था। इसको 6 महीने की ट्रेनिंग दी गई थी इन एक्टिविटीज़ की और उसके बाद इसको इंडिया के लिए रवाना किया। हाँ जो लग रहा है जिस तरह से अभी हाल फिलहाल में वेपन आए हैं उससे लग रहा है कि यही इनका टारगेट था। देखिए ये मैंने आपसे फिर कहा कि बहुत सारे लोग इसमें ऐसे हैं जिनको इसकी आइडेंटिटी पता नहीं थी, ये जहाँ रह रहा था बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। इसने अपने आप को एक इंडियन नेशनल की तरह, एक पीर मौलाना की तरह पोर्ट्रेट किया हुआ था। ये इसके बहुत सारे लोग थे क्लाइंट, मतलब इसके बहुत सारे फॉलोअर्स थे जो इससे अपना ट्रीटमेंट लेते थे, स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट, ये उसका स्पिरिचुअल ट्रीटमेंट का नाम करता था, कुरान की पवित्र आयतें पढ़ता था और उसके दावा करता था कि उससे लोग ठीक हो जाते हैं। वो कर रहा था नासिर, मैंने आपसे कहा कि नासिर एक पाकिस्तान का ऑफिशियल है कोई, जो उसको पता है कि कोई पाकिस्तानी ISI ऑफिशियल है जिसने उसको रिक्रूट किया था और इसका हैंडलर है। कई जगह थे दिल्ली आसपास के कई एरियाज में, वो कई सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अभी अभी शेयर नहीं करेंगे, उस पर काम चल रहा है। इसका इंडियन पासपोर्ट की डिटेल्स मैं बताता हूँ आपसे। देखिए एग्जैक्टली पहले इसने अपनी इंडियन आइडेंटिटी एस्टेब्लिश की, जिसके लिए इसने बिहार के एक पर्टिकुलर गांव का सहारा लिया और उसके बेसिस पे इसने अपने दिल्ली के एड्रेसेस पे अपना एक आई कार्ड, वो बाकी कार्ड्स बनवाए, बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवाए और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे फाइनली इसने अपना पासपोर्ट बनवाया। नहीं इसका इनिशियल एड्रेस जैसे मैंने कहा कि एक परमानेंट ID का एड्रेस इसका बिहार का है और बाकी जो है वो अलग अलग एड्रेसेस हैं, ये डिफरेंट एड्रेसेस पर आए। ये बहुत सारी डिटेल्स हैं, मतलब हो गया उसको। देखिए आप एक अंदाज लगा सकते हैं कि जब वेपन्स मिले तो जाहिर सी बात है किसी न किसी टेरर स्ट्राइक के लिए मिले थे। सर जिस तरह के हथियार लोन वुल्फ अटैक कर रहा था कि भीड़ में जाकर गोली चलाना काइंड ऑफ, देखिए मैंने कहा कि अभी इसको सेकंड स्टेज जो इसकी थी वो इसको इसके बारे में इंफॉर्मेशन आनी थी, अभी वो आई नहीं है इसके पास। नहीं इनके अपना नहीं इनके कॉन्टैक्ट करने का जैसे मैंने कहा सोशल मीडिया एप्स जो होते हैं उनके थ्रू करता था। अभी वो आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा इनिशियल स्टेज इन्वेस्टिगेशन जी। नहीं अभी तक तो ऐसा एंगल नहीं आया। ये इसका क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है, रहे हर पल चौकस और साथ ही क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें।